हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आपको भी अगर सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड समझ नहीं आती है, आप भी अगर बिगिनर हैं और नया नया टैली सीखना शुरू किया है तो डोंट वरी, बी हैप्पी, क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा कि दोनों चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से पास करी जाती है, मैं कई वीडियो में बता चुका हूं। तो हम सीधा चलते हैं रिसिप्ट वाउचर में। F6 प्रेस करेंगे तो रिसिप्ट वाउचर में आ जाएंगे। अब देखिए आपको क्या यहां पर क्रेडिट दिखाई दे रहा है। क्रेडिट दिखाई देने का मतलब ये है कि आप किस मोड में हैं, डबल एंट्री मोड में है। अब डबल एंट्री मोड, सिंगल एंट्री मोड, ये चेंजेस कैसे पॉसिबल होंगे इसको करके दिखाता हूं। जैसे यहां से आपको F12 प्रेस करना है, जैसे ही F12 प्रेस करेंगे ना तो ये विंडो ओपन होगी। अब यहां पर देखिए दूसरा ऑप्शन जो शो हो रहा है वो है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा वाउचर। क्या आप सिंगल एंट्री मोड का यूज करना चाहते हैं पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा वाउचर के लिए, तो ये ऑप्शन नो है। जिसके चलते आपको यहां क्या दिखाई दे रहा है, फिर से देखिए जरा, यहाँ पे क्रेडिट दिखाई दे रहा है। अगर आपको क्रेडिट और डेबिट दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कि आप डबल एंट्री मोड में हैं, ठीक है। और अगर आपको डबल एंट्री मोड से सिंगल एंट्री मोड चेंज करना है तो यहां पर सबसे पहला काम ये करिएगा कि ये यूज डेबिट क्रेडिट इसको नो कर दीजिएगा और बाकी यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड को यस कर दीजिएगा। कंट्रोल ए कर दीजिए और जैसे कंट्रोल ए करते हैं तो ये देखिए ये आ गए सिंगल एंट्री मोड में। तो ये जो मोड है ना ये सिंगल एंट्री मोड है, और डबल एंट्री मोड के लिए फिर अगर डबल एंट्री मोड में आना है तो यहां से आपको रिसिप्ट कंट्रा ये सब इसको ये जो दिया हुआ है ना यूज डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट इसको पहले यस कर दीजिएगा, वाई बटन प्रेस करके एंटर कर दीजिए और यहां पर ये देखिए इसको नो कर दीजिएगा। तो ये नो हो गया, कंट्रोल ए कर दीजिएगा तो देखिए डेबिट क्रेडिट आने लगा। तो ये सिंगल एंट्री होती है, ये डबल एंट्री होती है। आई होप कि आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू।